हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बालक ज्ञान में। दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए फिजिक्स के 14वां चैप्टर लाए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, एम कक्षा यानी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो देखिए, इसका फॉर्मूला होता है 2n² ठीक है ना। तो एक यानी ये k कक्षा है, ये l है और ये m है ठीक है ना। तो k एलिमेंट ये है, तो k के लिए एक लिया जाता है, l के लिए दो लिया जाता है और m के लिए तीन लिया जाता है। तो आप n के जगह पर अब यहाँ पर बनाइएगा दो और n के स्क्वायर यानी तीन का स्क्वायर, तो 2 × 9 यानी 18। इसका आंसर सी हो गया, 18 आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध चालक का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, लिथियम नहीं है, ठीक है ना, बाकी सब है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, शुद्ध जर्मेनियम को एन टाइप और चालक बनाने के लिए उसमें मिश्रित किए जाने वाले अपद्रव्य होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, तीन का सही जवाब हो जाएगा एंटीमनी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो है, एन टाइप और चालक में विद्युत चालन का कारण होता है। तो इसका एन के लिए चार का सही जवाब हो जाएगा सी, इलेक्ट्रॉन होता है जो कि गति करता है, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, पी एन संधि डायोड के अवक्षय क्षेत्र में आवेश वाहक होते हैं। तो पांच का सही जवाब हो जाएगा डी, इलेक्ट्रॉन व कोठर दोनों ही नहीं होते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अर्धचालकों की चालकता पर ताप से क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, ताप बढ़ने पर बढ़ती है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, दो आवेश ए और बी वाले और गेट का निर्गत निवेश शून्य होने का आवश्यक है, निर्गत शून्य होने के लिए आवश्यक है। तो सात का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला जो क्वेश्चन है, पीएनपी और एनपीएन में कौन सा ट्रांजिस्टर अधिक उपयोगी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आठ का बी, एनपीएन जो है ज़्यादा उपयोगी है। अगला जो क्वेश्चन है, एंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक होते हैं। तो नौ का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला जो क्वेश्चन है, 15 का द्विधारी तुल्यांक होता है। तो 15 का द्विधारी तुल्यांक क्या होगा? देखिए 15 है ना, इसका लघुत्तम निकालिएगा 2 से, हमेशा 2 से लगाएंगे, तो इसके आधा कीजिए, मतलब 2 से जैसे ना यहाँ पर समझिएगा 2 से भाग कीजिए 15 में, ठीक। तो 7 आया, तो 7 हम यहाँ लिखेंगे, जो शेष बचेगा बगल में लिखते चलेंगे, ठीक। और उसके बाद फिर 2 से, यानी आप ऐसे ही भाग करते जाइएगा ना, तो शेष वाला अंक आते जाएगा, यहाँ पर शेष वाला अंक जो है आते जाएगा, उसी को पलट के लिख दीजिएगा ना तो आ जाएगा आंसर। का द्विधारी तुल्यांक होता है, तो 10 का सही जवाब हो जाएगा सी होगा, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर में विद्युत चालन का कारण होता है। तो 11 का सही जवाब हो जाएगा सी, होल एवं इलेक्ट्रॉन। अगला जो क्वेश्चन है, पी प्रकार एवं एन प्रकार का और चालक होते हैं। तो 12 का सही जवाब हो जाए ए, विद्युतीय उदासीन। अगला जो क्वेश्चन है, यदि ए बराबर ए का बी बराबर जीरो, तब बी प्लस ए इंटू ए
बिलियन गणितीय बीज के अनुसार निम्नांकित में से किसके बराबर होगा? तो 13 का सही जवाब हो जाएगा ए, ए के बराबर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, अंतः और चालक में विद्युत चालन संभव है, तो 14 का सही जवाब हो जाएगा ए, उच्च ताप पर। अगला जो क्वेश्चन है, वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है उसे कहते हैं, तो 15 का सही जवाब हो जाएगा ए, सौर सेल कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है, तो 16 का सही जवाब हो जाएगा ए, कृत्रिम उपग्रह में। अगला जो क्वेश्चन है, नॉट गेट बनाने के लिए उपयोग होता है, तो 17 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन जो है, द्विधारी संख्या का 111 का मान होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन जो है, बुलियन बीजगणितीय वाई बराबर ए प्लस बी का मतलब है, तो 19 का सही जवाब हो जाएगा ए, वाई बराबर है ए प्लस बी के। बुलियन बीजगणित वाई बराबर ए इंटू बी का मतलब होता है, तो 20 का सही जवाब हो जाएगा बी, वाई बराबर है ए तथा बी के गुणा। अगला क्वेश्चन जो है, ताप बढ़ने के साथ और चालक का प्रतिरोध क्या होगा? 21 का सही जवाब हो जाएगा बी, घटेगा। अगला जो क्वेश्चन है, अर्धचालक में अपद्रव को डालने से, 22 का सही जवाब हो जाएगा डी, उसकी क्या है, चालकता बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन जो है, एक शुद्ध अर्धचालक का परम शून्य ताप पर व्यवहार करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, कुचालक की भांति। अगला क्वेश्चन जो है, एन प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन में मिलाया जाने वाला अशुद्ध पदार्थ है, तो 24 का सही जवाब हो जाएगा सी, एंटीमनी। अगला जो क्वेश्चन है, पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में पीएनपीएन ट्रांजिस्टर श्रेष्ठ है क्योंकि, 25 का सही जवाब हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन के प्रवाह अधिक होती है। अगला क्वेश्चन जो है, अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को कहते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा डोपिंग। अगला जो क्वेश्चन है, डायोड को कहा जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ए, फ्लेमिंग वाल्व।